ओम शांति। 30 सितंबर, आज अव्यक्त बाप दादा ने हम सभी आत्माओं का बहुत ही सुंदर बातों से श्रृंगार किया है। उस दिन मिस्र के राष्ट्रपति की पत्नी मैडम अनवर सदात भी आई थी, उससे बाबा ने मुलाकात की, उसको बहुत फ्रेश किया, कहा धन की इकोनॉमी और शांति की देवी बनकर जाना तो सभी आपको वैसा ही अनुभव करेंगे। बाप दादा ने बड़ी गुह्य बात कही, संसार में अशांति है, असंतुष्टि है, लोग लौकिक प्राप्तियों के पीछे भाग रहे हैं, कोई धन के पीछे, कोई सुंदर साधनों के पीछे, भक्ति में कोई मुक्ति के पीछे, तो कोई ये भी सोचते हैं कि कुछ क्षण सच्चे मन से भक्ति तो कर लें। संसार में भाग दौड़ हो रही है, हम सब जानते हैं, लेकिन मनुष्य को शांति नहीं, संतुष्टि नहीं। तो बाबा ये चाहते हैं तुम बच्चे संतुष्ट मणि बनकर उन्हें इच्छा मात्र अविद्या बनाओ, क्योंकि इच्छाएं तो कभी अच्छा बनने नहीं देंगी। इच्छाएं तो मन को नचाती रहेंगी, एक इच्छा पूर्ण होगी दूसरी जग जाएगी। इसलिए तीन तरह की आत्माओं को बाबा ने देखा, हम में से भी एक सर्व प्राप्ति स्वरूप, दूसरे प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले, और तीसरे देखे जो श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप में रहते हैं, रूहानी स्मृति स्वरूप, ऐसी रियलिटी। सर्व प्राप्तियों की रॉयल्टी, स्मृति स्वरूप की रियलिटी और प्योरिटी की पर्सनालिटी, तीनों ही सर्वश्रेष्ठ हाईएस्ट चीजें हैं। प्योरिटी हमारी पर्सनालिटी को बहुत श्रेष्ठ बना देती है, अलौकिक पर्सनालिटी ले आती है, चेहरे पे भी दिव्य तेज रहने लगता है। सर्व प्राप्तियां हमें हो गई हैं तो किसी की ओर भी हमारी आंखें नहीं जाती, ये रॉयल्टी आ जाती है, हम तृप्त आत्मा बन जाते हैं, संतुष्ट आत्मा बन जाते हैं। और तीसरा है जो रूहानी स्मृति स्वरूप हम बनते हैं, बाबा ने हमें बहुत सारी स्मृतियाँ दिलाई हैं, उनको जब हम स्वीकार करके जीवन में समा लेते हैं, मन बुद्धि जब उनका स्वरूप बन जाती है तो ये रियलिटी है। जिसके पास ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी रॉयल्टी और ऐसी रियलिटी हो, वही संसार में सबसे महान है। तो बाबा हम सभी को प्रेरित कर रहे हैं कि ये जो अप्राप्ति वाली आत्माएं हैं, तुम प्राप्ति स्वरूप के नशे में रहकर, श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप रहकर और अपनी प्योरिटी की पर्सनालिटी में रहकर इन सब को महादान दो, इनको ज्ञान दो, इनको सुख शांति दो, इनको संतुष्टता दो। उस समय की भेंट में आज तो ये स्थिति बहुत विकराल है, लोग संतुष्ट नहीं हैं, लोग खुश नहीं हैं, लोगों के पास धन होते भी शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, अपनत्व नहीं है, स्वार्थ बढ़ गया है। हम अपने श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित हो जाएं, हम महादानी वरदानी हैं, महादान, ज्ञान दान, गुण दान, वाइब्रेशंस का दान। हमें बाबा से जो वरदान प्राप्त हुए हैं, जैसे तुम संतुष्ट मणि हो, हम इसका स्वरूप बनकर जो वाइब्रेशंस फैलाएंगे, दूसरों को दृष्टि देंगे, तो वे भी संतुष्ट होने लगेंगे। और जीवन में जब संतुष्टता आएगी तो थोड़ी प्राप्ति भी बहुत ज़्यादा महसूस होगी। बाबा ने और कुछ गहरी बातें कही हैं, विदेशियों से बात करते हुए कहा, विदेशी बहुत कहा करते थे कि बाबा हम यहीं रह जाएं, हमें यहीं रख लो, तो बाबा कहते अभी नहीं, समय आएगा जब तुम्हें यहाँ रख लिया जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए,
पापा ने उदाहरण दिया। तो चार दिन कुछ खाया पिया नहीं, प्रेम में मगन थे, लवलीन थे। ऐसी स्थिति विनाश के समय हो जाएगी। ईश्वरीय प्रेम में लवलीन रहने के कारण भूख प्यास का भी भान नहीं रहेगा और लवलीन स्थिति में ये खेल समाप्त हो जाएगा। बाबा ने गुरु ये बात कही, जिन्होंने अपना सब कुछ इंश्योर कर दिया, तन मन धन सब इंश्योर, कहा चाहे तुम्हारे बैंक में भी हैं, तुमने कर दिया बाबा ये तुम्हारे हैं, वो जमा हो गया अविनाशी बैंक में, उसका पदम गुना होकर तुम्हें मिल जाएगा। बस ध्यान इतना देना है कि अब उसे अमानत समझना है बाबा की, और श्रीमत अनुसार ही यूज करना है, कहीं उसका गलत यूज ना हो जाए। एक बहुत गहरी बात कि सवेरे जब तुम योग में बैठते हो तो क्लियर बुद्धि के साथ बैठो। होता क्या है, मान लो कोई समस्या सामने है और बाबा से उसका हल हम ले रहे हैं, तो मन में एक भाव बना रहेगा कि बाबा ऐसा कहे, बाबा ऐसा टच करे, इस समस्या का यह हल हो जाए तो अच्छा है। तो वो भाव होने के कारण बाबा की क्लियर टचिंग बुद्धि में नहीं आ पाती। लेकिन हम सभी संकल्पों को छोड़कर पूरे प्लेन बुद्धि होकर, एकाग्रचित्त होकर बाबा की याद में स्थित हो जाएं, उसके स्वरूप पर स्थित हो जाएं, ऑटोमेटिकली समस्या का समाधान बड़े पावरफुल संकल्प के रूप में हमारे अंदर आ जाएगा। इसकी हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। तो आज बाबा के वरदान बहुत सुंदर, सर्व संबंध एक से जोड़ लो तो उसकी याद तुम्हें सहज रहेगी, तुम सहज योगी बन जाओगे, क्योंकि जिससे संबंध होता है उसे प्यार होता है, उसकी याद भी सहज आती है, उसमें मेहनत नहीं लगती। चाहे हम बच्चा बना लें उसको, बाप टीचर सदगुरु तो वो हमारा है ही, तीनों के भी हम नशे में रहे, तीनों को हम फॉलो करें और उसे अपना गुड फ्रेंड खुदा दोस्त भी बना लें, उससे ये संबंध निभाने में हम बिजी हो जाएं, ऐसे बिजनेसमैन बन जाएं, बाबा ये चाहते हैं। बिजी रहने का अर्थ ये नहीं कि हम पढ़ने लिखने में, व्यर्थ की बातों में, काम धंधे में बिजी हो जाएं, लेकिन बाबा से प्रीत की रीत निभाने में बिजी हो जाएं। बाबा ने जो हमें भिन्न भिन्न अभ्यास सिखाए उनके अनुभव करने में हम बहुत बिजी हो जाएं, ये है बिजी होना, यही सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना है। ये भगवान से बिजनेस है, इसकी प्राप्तियाँ अनंत हैं। बाबा को हम अपना पार्टनर बना लेंगे तो प्राप्तियाँ ही प्राप्तियाँ हो जाएंगी। तो आज सारा दिन हम बाबा को बाप टीचर सदगुरु और वो मेरा खुदा दोस्त है इस रूप में याद करेंगे, इसी रूप से उनसे रूहान करेंगे और उनके साथ का सहज अनुभव करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.